आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई मुद्रा के आईपीओ इशू के बारे में। इस वीडियो के थ्रू हम आपको जानकारी देंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स, प्रेजेंस, स्ट्रेंथ्स, रिस्क और कुछ आईपीओ डिटेल्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ आईपीओ स्पेसिफिक्स के साथ। ई मुद्रा का आईपीओ इशू ओपन हो रहा है 20th मई 2022 और क्लोज हो रहा है ऑन 24th मई 2022। The issue size is a fresh issue of 161 crore rupees and an offer for sale of 98.35 lakh shares by promoters and existing shareholders. The price band is set at 243 to 256 per share. Listing date hai 1st June 2022. Is issue ke book running lead managers hain IIFL Securities Limited, Yes Securities Limited and Indorian Financial Services Limited. Baat karte hain issue ke objectives ke baare mein. रुपीज 35 करोड़ यूज होंगे डेट्स की प्री पेमेंट और रीपेमेंट के लिए। रुपीज 40.219 करोड़ यूज होंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फंड करने के लिए। रुपीज 46.634 करोड़ को यूटिलाइज किया जाएगा डेटा सेंटर सेटअप करने के लिए और इक्विपमेंट्स परचेज करने के लिए। रुपीज 15.03 करोड़ विल बी यूज्ड एज एक्सपेंडिचर फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। रुपीज 15.27 करोड़ वापस ई मुद्रा में इन्वेस्ट होंगे। बात करते हैं कंपनी के बारे में। ई मुद्रा इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 37.9% एज ऑफ FY21। कंपनी डिजिटल ट्रस्ट सर्विसेज एंड एंटरप्राइज सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है वेरियस इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। इंसेप्शन से लेके आज तक कंपनी ने 50 मिलियन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए हैं विद द हेल्प ऑफ 88,457 चैनल पार्टनर्स। ये डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज होते हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स, टेंडर, फॉरेन ट्रेड, रेलवे डॉक्यूमेंटेशन और बैंकिंग में। बात करते हैं कंपनी की प्रेजेंस के बारे में। कंपनी ने रिटेल कस्टमर्स की ग्रोथ देखी है फ्रॉम 58,872 एज ऑफ मार्च 31, 2019 टू 136,233 एज ऑफ सितंबर 30, 2021। इनके एंटरप्राइज कस्टमर्स भी बढ़े हैं फ्रॉम 249 टू 563। ये अपनी सर्विसेज गवर्नमेंट और बैंकिंग कंपनीज को भी प्रोवाइड करते हैं। इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, चोलामंडलम एमएस, जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे जानी मानी कंपनीज भी इनके कस्टमर्स हैं। नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। द कंपनीज रेवेन्यू ग्रू फ्रॉम रुपीज 101.6 करोड़ इन FY19 टू रुपीज 116.5 करोड़ इन FY20 एंड रुपीज 131.6 करोड़ इन FY21। The PAT grew from Rs. 17.4 crore in FY19 to Rs. 18.4 crore in FY20 and Rs. 25.4 crore in FY21. The ROE stood at 26% in FY19, 21.8% in FY20 and 24.2% in FY21. The ROCE stood at 32.6% in FY19, 28.1% in FY20 and 30.5% in FY21. The company's total assets grew to Rs. 191.9 crore in FY21 from Rs. 158.7 crore in FY20 and Rs. 119.5 crore in FY19. The total borrowing significantly increased to Rs. 27.2 crore in FY21 from Rs. 21.5 crore in FY20 and Rs. 12.4 crore in FY19. इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ई मुद्रा इंडिया की लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है विद अ मार्केट शेयर ऑफ 37.9% एज ऑफ FY21। कंपनी इंडियन मार्केट्स की डायनामिक्स को कैप्चर करने के लिए एक अच्छी पोजीशन में है। ये कंपनी यूरोपियन क्लाउड सिग्नेचर कंसोर्टियम एंड द सर्टिफाइंग अथॉरिटी ब्राउजर फोरम में एज अ मेंबर एडमिटेड है और इट इज द ओनली इंडियन कंपनी व्हिच इज अ मेंबर हियर। कंपनी के एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रस्ट सेगमेंट्स एक एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेस्ड है और इनके डेटा सेंटर्स इंडिया और अब्रॉड में सेटअप है। कंपनीज जैसे कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, JSW स्टील, लार्सन एंड टूब्रो इन्फोटेक इनकी कस्टमर की लिस्ट में इंक्लूडेड है। अब नजर डालते हैं इस कंपनी की कुछ रिस्क पर। इनका सक्सेस इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी कस्टमर्स और मार्केट की नीड को एनालाइज कर सके। कंपनी को रिसर्च और डेवलपमेंट भी काफी करनी पड़ती है। ये कंपनी ऐसे एरियाज में एक्सपेंशन प्लान कर रही है जहां ये ओरिजिनली ऑपरेट नहीं करती। ये एक्सपेंशन प्रॉफिटेबल भी हो सकता है या नहीं भी। कंपनी के सारे ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म क्रैश हो गया तो कंपनी का कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा और रेवेन्यू डिक्रीज होगा। देयर मे बी इंस्टेंसेस वेयर द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ द कंपनी मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड गिव वे टू साइबर अटैक्स।
गाइज मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दी बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस. और हाँ, 5 paisa के थ्रू IPO एप्लीकेशन करने पर आपको एक्साइटिंग बेनिफिट्स मिलेंगे. ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें.